यहां पे बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है, जिसको मैरिज कहते हैं उसको आप पार्टनरशिप कहिए, उसको आप शादी कहिए, मगर दोनों एक साथ मिले हुए हैं और शादी में उन्होंने उड़ीसा की जनता को पान दिया पान। दिल्ली के अंकल जी ने और नवीन बाबू ने पार्टनरशिप करी, वही 22 लोगों को पूरा फायदा दिया, अदानी को स्टेट पकड़ा दिया और अंकल जी ने और नवीन बाबू ने मिलकर उड़ीसा की जनता को पान दिया पान। पान का मतलब स्टेट को पांडियन चलाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मतलब PAA NN, और आपका पूरा का पूरा धन इन लोगों ने चोरी किया है। माइनिंग स्कैम, जो आपका धन था 9 लाख करोड़ रुपए आपसे चोरी किए। लैंड ग्रैब, किसानों की जमीन ली, 20,000 करोड़ रुपए आपके वहां गायब हुए। प्लांटेशन स्कैम, 15,000 करोड़ रुपए आपके वहां चोरी किए। ये मैं आपको नंबर दे रहा हूं, ये नंबर इसलिए दे रहा हूं कि जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, तो हम ये जो पैसा इन्होंने आपसे लूटा है वो आपको वापस देना शुरू कर देंगे। मैं आज आपको बताने आया हूं कि आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में और उड़ीसा में किस प्रकार से पैसा देने जा रही है। अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि मीडिया वाले जो है ना, ये आपको नहीं बताएंगे, ये सिर्फ मोदी की बात करें अंकल जी, ये सिर्फ अंकल जी दिखाएंगे आपको, या अंकल जी या फिर आपके नवीन बाबू। यहां पे जो मैं भाषण दे रहा हूं, जहां मैं जनता की बात कर रहा हूं, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की, ये भाषण आपको टीवी पे नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये आपके हैं ही नहीं, ये अदानी जी जैसे लोगों के हैं। तेलंगाना में हमने महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। कर्नाटक में हमने सीधा महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2,000 रुपए महीने उड़ीसा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। ₹3,000 बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और जो गैस का सिलेंडर है, जो नरेंद्र मोदी कितने का देता है, नवीन बाबू कितने का देते हैं, 800, 1100, कितने का मिलता है, 1100, ये 500 का हो जाएगा। और उड़ीसा की सरकार धान के लिए उड़ीसा के किसानों को ₹3,000 प्रति क्विंटल देने जा रही है।